ही दो लोग रो रहे थे, अब बाकी तीनों लोगों में खुशियां मनाई जा रही थी। तो चंद्रमा क्यों रो रहा था? कहते हैं मास राम का प्राकट्य हुआ तो भगवान सूर्य ने सोचा हमारे कुल में परम ब्रह्म परमात्मा का अवतरण हुआ है। देखने के लिए वहां पहुंचे अयोध्या, तो देखने के बाद शुद्ध बुद्ध खो बैठे। दिन के दोपहर के समय चंद्रमा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता था। इसलिए चंद्रमा रो रहा था कि ये जा नहीं रहे, और जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक हम कैसे दर्शन करेंगे। तो चंद्रमा इसलिए भगवान ने कहा ठीक है रात्रि दुखी मत हो, अगली बार हम तुम्हारे गोद से जन्म लेंगे। तो रात्रि में भगवान ने जन्म लिया। तब तक चंद्रमा भी सिसकने लगा, रोने लगा। भगवान ने कहा रे तू क्यों रो रहा है? कहा आए हो तुम मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके, भगवान राम का जन्म हुआ था तो कहा आते ही तुम्हारे जो है हम जन्म तो जो है भगवान राम ने कहा था, ध्यान रखिएगा, भगवान राम ने कहा था कि तो खुश हो। भगवान का क्या नाम पड़ा? रामचंद्र पड़ा। चंद्रमा का विजय हो रहा था और उस समय जन्म हुआ, केवल चंद्रमा ने देखा था। और जेल में नहीं देख पाया अच्छे से, तो वसुदेव की सूप में लेके बाहर और आगे भी अच्छे से देख लिया भगवान ने कहा था। तो कहा अब तो खुश हो जाना कि केवल तू दर्शन करेगा। चंद्रमा बड़ा हठी था फिर भी नहीं खुश हुआ। तब भगवान ने कहा देखो किसी के बच्चे को टॉफी दे दो तो पिता का मन खुश होता है ना। तब भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारा प्रिय पुत्र बुध है ना, तो अगली बार हमारा जन्म बुध को होगा। अगर किसी स्त्री को प्रसन्न करना हो, माता को प्रसन्न करना हो, तो बड़ा सरल उपाय है। क्या तुम जानते हो? दिल की बड़ाई से एकदम खुश हो जाए। अब अगर पुरुषों को खुश करना हो तो और सरल उपाय है। क्या? उसकी तो कहा अगली बार जब हमारा जन्म होगा तो मोहिनी नक्षत्र में होगा। पृथ्वी का पुत्र है मंगल, मानो मंगल को गोद में लेकर पृथ्वी देवी भगवान की प्रतीक्षा करने लगी स्वागत के लिए। यमुना का जल बिल्कुल निर्मल हो गया। भादव का महीना कृष्ण पक्ष निर्मल जल हो सकता है क्या? आप साक्षात विष्णु हैं, अध्यात्म को प्रकाशित करने के लिए आपका प्राकट्य हुआ है, ऐसा देवकी ने स्तुति किया। उसके बाद देवकी ने कहा प्रभु आज तक ऐसा पुत्र किसी के हुआ ही नहीं, किसी को विश्वास नहीं होगा। बने तब देवकी को कंस की याद आई, और याद आती ही कंस की देवकी दुखी होकर रो पड़ी। भगवान ने कहा माता अब क्यों रो रही, हम तो आ गए हैं। कहा पुत्र वो कंस बड़ा दुष्ट। कहा यद्यपि हम आ गए अब भय नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको भय लग रहा है तो हमको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दो, और वहां पर कन्या का जन्म हुआ है उसे लेकर के यहाँ आ जाना। नंद बाबा से माता यशोदा के पास कन्हैया को बालक को सुला दिया, और कन्या जो वहां सो रही थी उसको गोद में लिया, सूप में रखा और लेकर के वापस मथुरा आ गए। जब जेल में पहुंचे तो जेल में पहुंचते ही हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी लग गई, जेल में ताले बंद हो गए। इधर कन्या रोने लगी, रोने की आवाज सुनते ही देवकी ने कंस के चरण पकड़ लिया कि हे भैया तुमने 6 पुत्र हमारे मार दिए, 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया, अब ये 8वें गर्भ से कन्या ने जन्म लिया है, ये तुम्हारी क्या हानि करेगी, इसे छोड़ दो छोड़ दो। ऐसा कह करके देवकी ने पैर पकड़ लिया, लेकिन दुष्ट कंस नहीं माना। उस कन्या का पांव पकड़ करके आकाश में नचा करके पत्थर पर
से गुजारारी हो गई। दुर्गा रूप धारण किया और धारण करके कहा, रे दुष्ट तू मुझे मारना चाहता है, अरे तुझको मारने वाला पहले ही ब्रज में जन्म ले लिया। अब कंस भयभीत हुआ, देवकी वसुदेव से क्षमा मांगा कि हमसे अपराध हो गया, क्षमा कर दो, तुम्हारे पुत्रों को मार दिया। देवताओं ने
बधाई एवं प्रसाद लेकर ही जाना है, ये ना भूले।